आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के नए ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप इस टाइप की वीडियो आप देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। और दोस्तों इस टॉपिक में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सीरियन वाले वीडियो जो है टिकटॉक पर काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसके बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं बताता हूँ सेटअप बाय सेटअप इस टाइप का वीडियो आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का वीडियो आपको शूट कर लेना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पर आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किया था वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो पहले हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। तो आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड के पार्ट जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद यहाँ पर हमें स्प्लिट टू प्ले हिट कर देना है। मैं यहाँ पे रुक गया था इसलिए मैंने स्प्लिट टू प्ले हिट करना पड़ा है, लेकिन आप नहीं रुक रहे तो आपको नहीं करना होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हम कहाँ से छलांग लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, वो आपको देखना है। तो मैं यहाँ से छलांग लगा रहा हूँ, इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट है तो पहले हमें इस पार्ट को भी मैं ट्रिम टू लेफ्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमें जो सीन जो लेना है, जो मैं जहाँ तक हम हवा में रह रहे हैं यहाँ तक के हमें सीन चाहिए, तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो क्लिक हो गया और गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, नीचे के पार्ट हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर जाने जाने के चाहिए। फिर से हमें यहाँ स्प्लिट टू प्ले हिट कर देते हैं। प्ले हिट करने के बाद इसके बाद इसे हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें रिमूव कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले वीडियो आपको इस तरह से आपको शूट कर लेना है। पहले मैं एक्स्ट्रा पार्ट पहले मैं ट्रिम टू लेफ्ट कर देता हूँ। सेकेंड वाले वीडियो आप सिर्फ ऐसे इस तरह से आपको शूट कर लेना जिसमें आप यहाँ पेन नहीं होंगे। इसके बाद जो हमारा राइट साइड का पार्ट है उसे हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तो हमारे फर्स्ट वाले वीडियो इस तरह से आपको शूट कर लेना है, सेकेंड वाले वीडियो आपको इस तरह से शूट कर लेना है। ये जो वीडियो मैंने शूट किया हूँ मोबाइल के फ्रंट कैमरा से किया हूँ, आपको आप अपने हिसाब से शूट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आना है, इसके बाद लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया के आने के बाद जो हम फ़ोटो लिया था वो हमें फ़ोटो गैलरी में सेव हो गया हुआ है, तो उस फ़ोटो को हमें बैकग्राउंड हमको चेंज कर लेना है पिक आर्ट से। तो मैंने पिक आर्ट से बैकग्राउंड चेंज किया हूँ, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसका जो फ़ोटो हमने बैकग्राउंड चेंज किया था वो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको सही तरह से सेम जगह पर आपको एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर इसको हमें फुल साइज कर लेना है। इसके बाद करना क्या है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद हमें वीडियो एक चाहिए जो हमें बैकग्राउंड में लगाना है, जिसका इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, वीडियो पे इसको आइडियो पे क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, इस वीडियो के अंदर जो आइडियो है ना वो आइडियो हमारा बाहर आ जाएगा। इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है और लास्ट तक इसे ले कर चले आना है। इसके बाद इस वीडियो का हमारा काम हो चुका है तो वीडियो को कर देते हैं डिलीट। हम एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को कर देना है आपको एक्सपोर्ट। और यहाँ पे हमारा वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको पिक आर्ट से फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो हमने फ़ोटो कैप्चर किए थे वो फ़ोटो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कटआउट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पे आपको जो जो पार्ट आपको चाहिए वो रेड कलर में होना चाहिए, तो इस पर क्लिक कर लेना है और फटाफट आपको रेड कलर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने हिसाब से धीरे धीरे अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड सही से रिमूव कर सकते हैं। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है तो आपको सही तरह से इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जो पार्ट आपको चाहिए रेड कलर में दिखना चाहिए, तो इस तरह से आप आराम से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ड्रॉ में आना है,
फिर से ड्रॉ में आना है और इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इस फोटो को सेव कर लेना है। ये आपको फोटो गैलरी में सेव पसंद आए तो सर लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।